हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी डीवी के लिए लेखपाल के अंदर। इसके साथ साथ में यूपी लेखपाल का जो रिजल्ट है वो कब तक आ पाएगा, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कल कि यूपी SSSC ने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर इनकी वन विभाग के अधिकारी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो निकाल दिए। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा, कब से उसकी लास्ट डेट होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब देखिए कि यहाँ पे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये अशोक अग्रवाल जी हैं यूपी SSSC के माननीय सदस्य। तो इनसे एक एस्पिरेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन किया है फेसबुक पर आशीष चौहान जी ने कि लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा बताने की कृपा करें। तो अशोक अग्रवाल जी ने इसका आंसर दिया है कि दिवाली के बाद आपके आने की संभावना है, लेकिन अभी ये सब पॉसिबल लग नहीं रहा है जिस तरीके से यूपी SSSC काम कर रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे पहले तो यूपी SSSC एक ही चीज़ पर मेन फोकस कर रहा है और वो है पैट। जो रियलिटी को समझिए आप, पैट 2022 को कराएगा, फिर उसके बाद लोअर जूनियर असिस्टेंट इन सब की रिजल्ट को देगा, AHO का रिजल्ट देगा, उसके बाद आपका लेखपाल का रिजल्ट आएगा। तो ये आप ध्यान रखना, पहले ये रिजल्ट आ जाएंगे, जब वो आएगा फिर पैट काम पर रिजल्ट पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि तो आपको पता है कि सारी की सारी वैकेंसी जो यूपी SSSC निकालेगा 2022 में वो पैट 2022 से ही निकालेगा। इसलिए अगर किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं ना तो वो पैट 2022 में अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट के संबंधित। डॉक्यूमेंट में आपको पता है कि 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, यही इसमें क्वालिफिकेशन है 12th, इसलिए 12th ही चाहिए आपको। इसके बाद OBC SC ST दिव्यांग, अगर आपके पास रिजर्वेशन में आप आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एक ये होती है एस्पिरेंट को कि EWS का सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए। तो ये EWS के सर्टिफिकेट के लिए ये हम आपको बता रहे हैं। एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन पूछा था अशोक अग्रवाल जी से कि सर मेरे पास 4/3/2021 और June 2022 का EWS का प्रमाण पत्र है, लेखपाल 2020 के दौरान DV का कौन सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इन्होंने बता दिया इसका आंसर कि 1 अप्रैल, ध्यान सुनना, 1 अप्रैल 2021 से लेकर और जो लास्ट डेट थी लेखपाल के पेपर की January 30 से पहले उससे आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। तो ये मेन कन्फ्यूजन होता है कई सारे स्टूडेंट को, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ है 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है लेखपाल के अंदर, आप देख लीजिए, जनरल के अंदर 3271, OBC के अंदर 2174, SC के अंदर 1690, EWS के अंदर 798 है। इसी प्रकार से ST के अंदर 152 है, दिव्यांग के अंदर 300 वैकेंसी टोटल बनती है 8085। एक बात और ध्यान रख लेना कि वैकेंसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था लेखपाल का, उसके अंदर लेखपाल से पहले हुआ था यूपी SSSC के द्वारा 655 वैकेंसी थी। लेटर सपोज कि यहाँ पर थोड़ी बहुत भी नकल हो गई, 100-200 लोगों ने नकल करा ली, तो कट ऑफ कितनी हाई पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर इतना इम्पैक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 100-200-300-400 लोगों ने भी नकल वगैरह करी होगी तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पैट 2021 की। पैट 2021 में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब पैट 2021 का पेपर हुआ था तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने ये कहा था कि उनके 70+ आ रहे हैं, उनके 75+ आ रहे हैं, उनके 60+ 65+ आ रहे हैं, इस तरह से उन लोगों ने बताया था अपने मार्क्स। तो अनफॉर्चुनेट उनके साथ ये भी रहा कि उन लोगों ने जो हवाबाजी करने की कोशिश की थी वो लोगों के 62 मार्क्स भी नहीं आए, और लेखपाल के लिए जो एलिजिबिलिटी थी पैट की 62 मार्क्स वो भी वो लोग अचीव नहीं कर पाए थे। तो कई बार जो ये भ्रम की स्थिति पैदा किए लोगों ने कि 85+ और 85+ और 80+, वो सब एक भ्रम की स्थिति, इस चीज़ को रियलिटी को समझने की कोशिश करना। तो यही मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था कंपेयर टू पैट। अब हम बात करते हैं तीसरा स्कीम संबंधित इशू के बारे में। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि STF ने बोल दिया है कि लोगों ने
नकल की है थोड़ी बहुत, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है, और जिन लोगों ने नकल किया उनकी संख्या 50 है, ऐसा एसटीएफ ने बोल दिया क्लियरली। और जिन लोगों ने 50 लोगों ने नकल की है उनकी हमने जांच कर ली है और उनकी जो रिपोर्ट है हमने शासन को भेज दी है। तो अगर इन्होंने नकल की होगी, एसटीएफ ने बोला कि इन्होंने की है, तो इनको रिजल्ट के लिए मान्य नहीं किया जाएगा, जैसा कि UP SSC के नियम है। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ नकल से संबंध, एक सार कई सारे एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि क्लास रूम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से नकल हुई है। इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि लेट अस सपोज एक क्लास में 3-4 एस्पिरेंट ए बी सी और डी, और ये जो मान लो एक्स, ये आपका एग्जामिनर है। तो एक क्लास में आप एक बार ध्यान समझिए कि ये लोग चारों के चारों इतने टैलेंटेड हैं कि पहले तो ये अपना पूरा पेपर कर लेते हैं 2 घंटे से पहले पहले, और फिर इतने ईमानदार भी हैं कि ए बी को सही बता रहा है, बी सी को सही बता रहा है और सी डी को सही बता रहा है, और ये इस तरीके से एक दूसरे को सही बता भी रहे हैं। और जो एग्जामिनर है एक्स, वो कुछ देख ही नहीं रहा है, उसकी आंखें बंद है, और पूरे यूपी के अंदर सब जगह पर नकल हुई है जबरदस्त तरीके से। ऐसा पॉसिबल अगर आपको लगता है तो आप इसको मान सकते हैं, मुझे तो ये लगता नहीं है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है और इतना किसी को किसी से पढ़ा भी नहीं, क्योंकि सबको अपने उससे मतलब है कि पहले उनका व्यवहार होना चाहिए अच्छे से, और किसी की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन के आंसर बता रहा है वो बिल्कुल सही हो। तो ये आप चीज़ समझिए। अब हम बात करते हैं लास्ट नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम्पल मैं दूंगा UPSI थी, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो UPSI से कंपेयर कर रहे हैं इस भर्ती को। UPSI के अंदर 9,500 के आसपास कर सीट थी और 54 शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था। 54 शिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं आपको, इनकी जिस शिफ्ट में पेपर टफ आया था लोगों के कम मार्क्स आए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया था, और जिस शिफ्ट में पेपर आसान आया था और एस्पिरेंट के ज़्यादा मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके जो मार्क्स घट गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये इम्पैक्ट रोल प्ले करता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से करता है। तो यहाँ पर 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो थोड़ा बहुत नकल वगैरह भी हुई थी, हम ये नहीं कह सकते नकल नहीं हो हुई थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ा था। और यूपी के लेखपाल का पेपर में नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। और दोनों में एक अलग अलग चीज़ ये भी है कि जो UPSI का पेपर हुआ था, जैसे 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाए, मान लो पहला शिफ्ट का पेपर हो गया, तो यूट्यूबर ने सेकंड पहले शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस कर दिया, तो सेकंड शिफ्ट के लोग तैयार हो गए थे। इसी प्रकार जब सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ, थर्ड शिफ्ट के लोग तैयार हो गए थे, तो नेक्स्ट शिफ्ट के लोग इस तरीके से तैयार हो गए थे। उनको पता चल गया था कि हिस्ट्री के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और लेखपाल के अंदर किसी को समझने का मौका मिला ही नहीं, आपको तुरंत ही एक दिन में ही सब कुछ मिल गया था एक ही शिफ्ट में अंदर। तो अगर जैसे पैट जैसी स्थिति होती ना, तो भी लोग समझ जाते 2-3 घंटे में कि लेखपाल के अंदर पैट में कैसे हुआ था, वहाँ 2-3 मार्क्स घट गए। तो यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है, तो आप इस चीज़ को समझिए। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। अगर आपकी बहुत अच्छी हिंदी है, तो हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप ये समझ लेना आप 20-22 मार्क्स आपके आ सकते हैं नेगेटिव मार्किंग कट के, मैं टोटल आपके अटैम्प्ट नहीं बता रहा हूँ। तो इसके बाद मैथ की हम बात करते हैं। मैथ में अगर आपकी बहुत अच्छी मैथ है SSC CGL और NTPCS लेवल की, तो आपके 20-22 मार्क्स आ सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा अगेन 25 मार्क्स आप नहीं लेके आ सकते, मैथ में 25 आप ला सकते हो, लेकिन वही हिंदी में अगर आपके मैथ में 25 आएंगे तो हिंदी में थोड़े कम हो जाएंगे, और GS और ग्रामीण पर भी इसमें कम हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं आप सभी चीज़ सारे सब्जेक्ट में एफिशिएंट हो और 8 के 8,000 बच्चे इस पे एफिशिएंट हो, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ बच्चे एफिशिएंट नहीं होंगे, हो सकता है कि 100 हो, 200 हो, 400 हो, 500 हो, लेकिन सारे लोग इस तरीके नहीं हो सकते, भले यूपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं GS की और ग्रामीण परवेश की। GS और ग्रामीण परवेश अगर आपकी बहुत अच्छी भी है, तो 18 से 20 आपके मार्क्स आ रहे हैं, 15 से अगर आपके 18 मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग कट के, तो समझ लेना आपकी बहुत अच्छी चली गई है GS। तो अब हम बात करते हैं DV के लिए कट ऑफ। DV के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप यहाँ देखिए कि जनरल और OBC के लिए 70 से 72, EWS के लिए 67-70 के बीच में, SC के लिए 62 से 65 के बीच में, ST के लिए 57 से 60 के बीच में। ये मैंने आपको एनालिसिस कर दिया, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि
जो फाइनल कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी लेखपाल के पैरेलल में चली हुई है, जैसे लोअर की है, जूनियर असिस्टेंट की है, आर ओ ए आर ओ की है, और एन टी पी सी की है, यू पी एस आई की है। तो इन सारी भर्तियों का जो रिजल्ट है फाइनल वो कम्प्लीट हो जाएगा जब तक डी बी का रिजल्ट आएगा लेखपाल का। भले ही यूपीटर पलसी ये कह रहा है कि दिवाली के बाद हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन दिसंबर से पहले रिजल्ट लग नहीं रहा है इसका आना, जिस तरह की आज की पोजीशन चल रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए और दिसंबर से पहले पहले इन सारी भर्तियों का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। आपको पता है आर ओ ए आर ओ के लिए भी नोटिस आ चुका है, एन टी पी सी के कई सारे लेवलों के रिजल्ट आ चुके हैं, क्योंकि इन सारे जितने भी एस्पिरेंट थे उन्होंने सब ने लेखपाल का पेपर दिया है लगभग लगभग, और जिन लोगों ने बहुत अच्छा किया है तो सोचिए कि ये लोगों ने लेखपाल के अंदर कितना अच्छा किया होगा। तो इन लोगों की जो कट ऑफ है इसलिए इतनी ही जा सकती है मेरे हिसाब से तो। और डीबी में जो फाइनल है वो ज़्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि जिन जिन वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है इन लोग ये लोग डीबी के लिए लेखपाल के अंदर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि लेखपाल का जो ग्रेड पे होता है वो 2000 का होता है, चपरासी के बराबर, जिनका ग्रेड 1800 का होता है। तो जिनकी सैलरी कम होगी वो लोग क्यों लो पोस्ट में जाएंगे, तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं दरोगा भर्ती की, जो दरोगा की वन रक्षक की भर्ती आई है, इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 17/10/2022 से भरना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है वो 6/11/2022 है, और जो इसकी फीस भरने की जो और संशोधन की जो लास्ट तारीख है वो 13/11/2022, यानी कि 17 अक्टूबर से आपका भरना चालू हो रहा है फॉर्म, और 6 नवंबर तक आपका फॉर्म की लास्ट डेट होगी। तो ये मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। अगर आपको सारा वन दरोगा के बारे में वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो बना दिया यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हो। धन्यवाद गाइज।